हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के स्टूडियो में अपन बात करने वाले हैं एसआई की सैलरी के बारे में। तो देखो, एसआई की सैलरी मतलब एसआई को कितनी सैलरी मिलती है, भत्ता वगैरह कितना मिलता है, ये सारी चीज़ें मैं काउंट करके बता रहा हूँ, ठीक है। और पहली बात, एक बात शुद्ध हिंदी में बिल्कुल तरीके से सुन लो मेरी बात, कि एसआई की जो सैलरी है ना, ये बेसिक बता रहा हूँ। बेसिक मतलब एसआई में जो कैटेगरी से भी फर्क पड़ता है, कोई एससी एसटी ओबीसी वाला है तो उसकी कैटेगरी से भी फर्क पड़ता है, उसकी सैलरी कितनी होगी, कम ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा जगह से भी फर्क पड़ता है, मान लो कोई इंदौर में एसआई है और कोई का झाबुआली राजपुर में एसआई है, तो इससे भी सैलरी में अंतर पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मैं एक बेसिक क्या इतनी तो होती है, इससे ऊपर किसी की कितनी भी हो सकती है, तो वो बेसिक चीजें यहां बता रहा हूं मैं। अब तुम अपना दिमाग लगा के, थोड़ा विवेक लगा के देख लेना, ऐसा नहीं भैया ने कह दिया ऐसा था, हाँ ऐसे ही, ऐसा नहीं। तो ये होती है सैलरी भैया, सैलरी मतलब ग्रेड पे के हिसाब से मिलती है, तो ग्रेड पे उनका 3600 होता है, तो उस ग्रेड पे के हिसाब से 36200 ये सैलरी होती है। ये बेसिक पे होता है, मतलब कि इतनी सैलरी उनको मिलती है। अब इसके ऊपर जो पैसे मिलते हैं ना, वो या तो एचआर होता है, डीए होता है मतलब महंगाई भत्ता, या फिर और भी कई सुविधा मिलती है ना, वो पैसे होते हैं। तो देखो, डीए होता भैया इनका कितना, 3258 रुपये, ये डीए। डीए का मतलब क्या, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, डीए का मतलब होता है महंगाई भत्ता। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, वैसे वैसे वो भत्ता बढ़ता जाता है। जरूरी नहीं है वो सरकार को दया है, उनने बढ़ा दो रहे बेचारे गरीब लोग, तो बढ़ाते हैं, उनको नहीं भी बढ़ा कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो ये भत्ता हो गया, डीए मतलब डीए। जिसके बाद में ये भैया एचआरए होता है, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, मतलब ये समझ लो कि घर का किराया, यूं समझ लो तुम तो, बस सीधी भाषा में बोलूँ तो, ठीक है। तो ये 1810 रुपये ये होते हैं, तो ये टोटल पैसे जोड़ दो तो 41268 रुपये ये हो जाते हैं, जो कि एसआई को मिलते हैं। अब इस मिलने में भी कटते हैं पैसे, तो ये लाल अक्षर में लिखा मैंने, लाल अक्षर में क्यों, एसआई के लिए खतरनाक है, तुम भविष्य में अगर एसआई बने तुम्हारे लिए खतरनाक है ना, ये चीज़ें पैसे कटेंगे तुम्हारे, मजे छोड़ने आएंगे। तो भैया कितने, 4018 रुपये ये काय के कटते हैं, ये कटते हैं एनपीएस के, एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम का नाम सुना कि नहीं सुना, उसके पैसे कटते हैं 4018 रुपये। इसके बाद में 200 रुपये कटते हैं तुम्हारे काय के, टैक्स के, प्रोफेशनल टैक्स होता है, टैक्स होता है, ये सब चीज़ें अलग अलग होती है। 25,000 से इनकी ज़्यादा सैलरी होती है, उनके ज़्यादा कटते, किसी कम कटते, पर यहाँ पर एसआई में कितने कटते हैं, लगभग 200, और ये सारी चीज़ें लगभग में है, मतलब ये सब पूछ के बताइए। मैंने एसआई से पूछा, दो दिन तक परेशान हुआ हूँ, एसआई नहीं मिले पहचान में कहीं का, तो क्या करें भैया, लेकिन फिर भी अपन ने पूछ लिया और यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल करेक्ट है, विश्वास कर सकते हो आंख बंद करके, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक, पूछ के बताया, मजाक नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये हो गया, जिसके बाद में ये 200 रुपये काय के हैं, तो ये होते बीमे के, बीमे का मतलब बीमा जो तुम्हारी सैलरी से कटते ना, ये 200 रुपये उसमें सरकार तुम्हारा बीमा कर देती है, ताकि इन फ्यूचर तुम मान लो देश के लिए शहीद हो गए कोई भरोसा छोड़ नहीं, तो फिर तुम्हारी फैमिली को पैसे मिलेंगे, तुम्हारे बाल बच्चे जो होंगे उनको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो चीज़ है। तो ये होते हैं 4418 रुपये, ठीक है। तो ये 4418 रुपये, एक मिनट रुक जा, हाँ तो 4418 रुपये हो गए, 41268 रुपये ये कहाँ से आ गए, ये जो मिलने वाले थे, जिसमें से घटे कौन से, ये जो लाल अक्षर में जो तुमको नहीं मिलेंगे, तो वो घटा दिए अपन ने, तो 36850 रुपये ये एसआई की सैलरी निकल के आई है, ठीक है। अब ये किसकी है भैया, ये देखो, ये भी घटता बढ़ता है जगह के हिसाब से, या जगह के हिसाब से, या माहौल के हिसाब से, मान लो मुद्रा स्फीति, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, एक फैक्टर काम नहीं करता है, तो ये बढ़ता ही है, वैसे घटता नहीं है, एक बार जो बढ़ जाता है उसके बाद, ठीक है। ये एचआरए वगैरह भी बढ़ते घटते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, घटते नहीं, बढ़ते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इन फ्यूचर बढ़ सकती है, और ये कैटेगरी पर भी डिपेंड करती है, कि मान लो कोई एससी वाला है तो हो सकता है उसको ज़्यादा सैलरी मिले, किसी को कम मिले, ये बात मुझे एसआई ने ही बोली है, तो बेटा ये सबकी अलग अलग होती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं, पर फिर भी आप एक बेसिक बता सकते हो, तो ये बेसिक यही है, ठीक है। आगे बात समझ में, अब किसी को ऐसा लगता है भैया इसमें गाड़ी में तेल डालने के पेट्रोल के पैसे और काय के पैसे, गाड़ी मिलती कि नहीं मिलती, हमने सुना एसआई को गाड़ी मिलती, कहीं का कह रहा कि एसआई को नहीं मिलती, वो थाने में रखी रहती, वही वापरते हैं और बस घर नहीं ले जा सकते, तो ऐसा है क्या। तो ये चीज़ में मैं वीडियो बना सकता हूँ, यदि तुम लोग कमेंट करो, तुमको जानने में इंटरेस्ट हो, तो मेरे को क्या समाज सेवा करने का मन थोड़ा नहीं कर रहा है, वो तुम पूछोगे तो बताऊंगा भैया मेरे को क्या है, नहीं तो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई, अब वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पटवारी सैलरी देखनी हो किसी को, मन हो कि नहीं पटवारी की देख ले एक बार, तो पटवारी की देख लो, और भी बहुत सारी वीडियो बना रखी है, वो देखने का मन हो तो वो देख लो। अब वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वो इतना झेल ले, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।